चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मेरी बेटी है साक्षी मलिक, उनने भी बड़े दुख थे इस तरह का वो कदम उठाया, वो भी उन्होंने भी मेडल पेडल उस संन्यास ले लिया। तो यहाँ की सरकारों को इस तरह का लेना चाह निर्णय, जो हमारी शान है तिरंगे की शान है, उन्होंने तिरंगे का सम्मान रखा। बजरंग पूनिया उन्होंने भी इस तरह का कदम उठा। धनखड़ जी है जो उपराष्ट्रपति है, उनके खिलाफ भी कितने भाई इस तरह की वह कर दे, तो सम्मानित पद है, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो इस तरह की नहीं वो करनी चाहती। पार्टी तो जीत रही, पहले तो भी जीती है, आगे भी जीतेगी, पर देश टूट जाएगा भाई इस तरह नहीं। पार्टी वालों को भी ध्यान रखना चाहा, जो कोई किसी और मजहब का है या पार्टी का है और इस तरह भाजपा ता लगे उस पर निकलना शिकंजा खींचा जा रहा, तो इस तरह की बात ना करो। आदरणीय चौधरी साहब श्याम सिंह जी, गुरु जी, उपस्थित सम्मानित मंच भाई, आज हो तो गई हमें वारसी बहुत, युद्धवीर जी भी आ रहे, मलिक साहब है, बहुत देर हो गई। एक मूर्ति का अनावरण था वहाँ से बावली में ज्यादा ही वो थे, पर आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम है। पिछले साल भी 23 दिसंबर को हुआ था चौधरी साहब के जन्मदिन पे, आज भी कई स्टेट टू के आदमी आ रहे, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे, कर्नाटक से भी आ रहे थे, भी गए हरियाणा में, कई स्टेट टू थे, पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसकी जरूरत क्यों पड़ी युवा संवाद की? हम वैसी तो लड़ाई लड़ी रहे भाई भाव अंतर की होर की, पर सब तो बड़ी हमने जो देखी, जो जरूरत देखी भाई, हमारा युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही, इसके बारे में भी कुछ सोचे, उनके भी मन के लिए क्या बात है, क्या तुम्हें दिक्कत है। तो इसमें इसी के जरिए तय ये थोड़े घने प्रोग्राम हो गए, इसी के जरिए तय युवाओं को सुधारने का मौका। आज की युवा पीढ़ी बड़ी गलत राह पर चल पड़ी भाई, इसमें कोई दो राह नहीं, ना हम कहने में कोई फरेज करते। भी 3 दिन पहले की बात है, 4 दिन की, 3 एक्सीडेंट, एक रसूलपुर, एक बाजू और एक बैसी, तीनों हमारे जानकार, एक ही दिन में 3 एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पर, तीनों ही खत्म हो गए। तो इस उस पर सबसे बड़ी ये ध्यान रखने की बात है, एक एक दो दो बच्चे हैं और उन्हें पाले परवरिश करे, और वे 18-20-22 साल की उम्र में अपना चल बस है भाई। इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना, मोटरसाइकिल का कम से कम इस्तेमाल करो। एक शराब के ऐसे आदि हो गए भाई, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, बात मिलान लगे जाते, इस पर भी निकल संकुश लगाने की जरूरत है। जब तुम ही नहीं रहोगे तो क्या होगा? हम युवा पीढ़ी तो यह कहे, हम तो जैसे भी कुछ है हो लिए जा लिए, जो हमारे तो बड़े उन्होंने भी बहुत जमाना देखा, पर हमने यही वो करी भाई, युवा पीढ़ी को भी बचाने की मुहिम चलाना चाह। आज बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए, बच्चों ने भी अपना, कई स्कूलों ने प्रोग्राम दिखाए, सामाजिक बात भी बड़ी लोगों ने अच्छी तरह से बताई। तो हम तो यही कहे, आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से बात सुनी, धन्यवाद है उन्होंने जिन्होंने रक्तदान का शिविर लगाया, जिन्होंने रक्तदान कराया, धन्यवाद उनको भी है जिन्होंने खाने पीने की व्यवस्था भी करी, धन्यवाद पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने यहाँ के ठीक हुआ, एक जो यंकी वह फिल्म है कुछ ही कहो सर, जो ये यूट्यूब चैनल वाले इन्होंने भी, तो हम तो आप लोगों को यही कहे भाई, इतना समय आप लोगों ने दिया इसके लिए धन्यवाद। और कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख लेनी चाह। देखो हमने जो हालात देखी भाई उसी पर हम बोल रहे, यहाँ तो प्रतिज्ञा लो,
ऐसे प्रोग्राम और तो प्रोग्राम होते जाते रहे, कोई इलेक्शन के है, कोई कहीं के है। देश के सामने बड़ी दिक्कत है। एक वह हमारी बेटी है साक्षी मलिक, उनने भी बड़े दुख थे इस तरह का वो कदम उठाया। वो भी उन्होंने भी मेडल पेडल उस संन्यास ले लिया। तो यहाँ की सरकारों को इस तरह का ऊंचा लेना चाह निर्णय। जो हमारी शान है, तिरंगे की शान है, उन्होंने तिरंगे का सम्मान रखा और इस तरह का कदम। एक शायद वो पूनिया है, पूनिया बजरंग पूनिया, उनने भी इस तरह का कदम उठा। एक एक धनखड़ जी है जो उपराष्ट्रपति है, उनके खिलाफ भी कितने भाई इस तरह की वह कर दे। तो सम्मानित पद है, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो इस तरह की नहीं करनी चाहती। देश को बचाने की बात है। सरकार पार्टी तो जीत जा, पार्टी तो जीत रही, पहले तो भी जीती है, आगे भी जीतेगी, पर यू देश टूट जाएगा भाई इस तरह नहीं। पार्टी वालों को भी ध्यान रखना चाह, सुधार की चाह, देश की तरक्की की चाह, बातचीत ये नहीं चाहते बातचीत तक भाई। हम देख रहे जो कोई किसी और मजहब का है या पार्टी का है और इस तरह भाजपा ताला गए उस पर निकलना शिकंजा खींचा जा रहा, तो इस तरह की बात ना करो। कोई हमें कहने में फरेज नहीं, तो बातचीत गलत हो रही, हर थानों में इस तरह की बात हो रही भाई। ये भी अपना व्यवहार सुधार इस देश को बचाने में सब सहयोग करे थी कि देश ने बहुत योगदान कर रखा, बड़े संघर्ष झेले रही ना, तो बना बना काम मिल गया भाई थी कि अपना ठीक ठाक हो चल लो। किसानों की बात है, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गन्ना बेल्ट है, आज भाग घोषित नहीं हुआ अब तक, लोग इंतजार में है। मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहते, इसमें कोई जाति मजहब की पार्टी की बात नहीं। 1.5-2 महीना की मील चल तो हो लिया, इस पर भी ध्यान दे। और वह सबसे बड़ी तो फिर हम भी आई बतावे भाई, युवाओं को सुधरने की बात है भाई, देखे तुम ठीक नहीं चल रहे। एक दूसरे को 10 को 20 को बताओ भाई, इनको वहाँ पंचायत हुई इस तरह का हो, इसमें कोई दबाव नहीं। ना हम दबाव दे सकते, ना हम सख्त हो कह सकते। हम तो यहाँ सार्वजनिक मंच पे किसान भवन, थारी शान है, थारा या वो है, इससे घोषणा होगी भाई सुधरने का मौका तुम्हें मिल गया और भाई सुधर जाओ। तो एक्सीडेंट बिल्कुल कम कर दो, ना के बराबर कर दो। कोई घर घर उजड़ जा खूब बढ़िया ढड़ा, फेर मरना पड़े, खर्चा भी हो जाए, फेर मरना पड़े। मैं 3 मिसाल दे रहा, बाजू की, रसूलपुर की, भैंसी की। तो हमने हम मन तो ले रहे इस बात को भाई, ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहते। आप लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छी तरह से प्रोग्राम करा, संपन्न करा, और आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम हम तो होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।